नारायण मिश्रा एक बार फिर हाजिर हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से मैथ की तैयारी कैसे करें मैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था जिसमें बहुविकल्पी हम बता दिए थे और आज अति लघुत्तरीय शुरू करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कॉट ए बराबर ए बाय दिया हुआ है, कॉट ए यदि काट ए बराबर बी बाई ए, कॉट ए बराबर बी बाई ए, तो दिखाना है बी सेके बाई ए कोसेक ए बराबर वन। अब समझिए कि क्वेश्चन प्रूफ करना है, काट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब माने बेस बाई परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस निकाल लीजिए माने कोण निकाल लीजिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच बराबर कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें लिखिए बी, सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आधार, आधार का है बी बाई कोसेक ए, ए मल्टीप्लाई कोसेक ए कर्ण बटे लंब, लंब ए है कट गया, अब इससे ये कट गया, क्या आ गया बराबर वन बराबर आर एच एस। ओके अब आइए आपका कॉस ए बराबर रूट थ्री बाई टू, देखिए कॉस ए बराबर रूट थ्री बाई टू, तो साइन टू ए का मान ज्ञात करिए, ध्यान दीजिए। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉस जीरो अंश का मान रूट थ्री बाई टू होता है, नहीं होता है, कॉस तीस अंश का मान होता है रूट थ्री बाई टू, एस कॉस तीस क्या होता है रूट थ्री बाई टू, यानी कि ए के जगह पे क्या हो गया तीस, ए बराबर तीस। साइन टू ए, टू ए यानी कि टू मल्टीप्लाई तीस बराबर साइन साठ बराबर रूट थ्री बाई टू, कोई दिक्कत है। एट टेन ए बराबर फिफ्टीन, एट टेन ए बराबर फिफ्टीन, तो टेन ए बराबर फिफ्टीन बाई एट, तो साइन ए का मान याद करिए, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ देंगे 289, कर्ण बराबर कर्णी में 289 बराबर 17। अब क्या पूछ रहा है, साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हाइपोटेनस, अब बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है 15, कोण क्या आप निकाल दिए 17, परपेंडिकुलर हो गया पी हो गया 15 और एच हो गया 17, बात समझ में आई बात, तो हो गया आपका काम, तीन क्वेश्चन हो गया, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है टैन थीटा प्लस काट थीटा, टैन थीटा प्लस काट थीटा बराबर रूट थ्री, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए, दोनों तरफ का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग आप बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करिए, टेन थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर और यहां रूट थ्री का होल स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा, साइन स्क्वायर ए सॉरी टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए प्लस टू टेन ए कॉट ए बराबर थ्री हो जाएगा। अब ये एक एक हो जाएगा, टेन ए काटे वन,
टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए का मान निकालना है, बराबर 3 - 2 = 1। एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60 बाई सेक स्क्वायर 45 माइनस कास स्क्वायर 45। तो अब वही मान रखिए, साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2 इसका स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 60, टेन होता है रूट 3 इसका स्क्वायर, सेक 45 रूट 2 इसका स्क्वायर, और माइनस है तो 1/cos 45 1/√2 इसका स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/1/ इसका स्क्वायर 2 और माइनस 1/2 इसका स्क्वायर 2, 2 जा 4 में से 1 जा। अब एलसीएम ले लीजिए धीरे से, 4 आ जाएगा 3 और 4 3 जा 12, नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4 -1, 12 3 15/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4 5/2। बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, 6। सिद्ध कीजिए कोसेक स्क्वायर 45 -1 = साइन स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 45। आप दोनों को सतवे हल कर दीजिए, एक ही आ जाएगा तो हो जाएगा प्रूफ। बात समझ में आ गया? देखिए कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 क्या होता है, रूट 2 इसका स्क्वायर -1, साइन स्क्वायर 45 1/√2 इसका स्क्वायर, सेक स्क्वायर 45 √2 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 - 1 और ये 1/2 मल्टीप्लाई 2 कट गया, 2 में से 1 जा 1 = 1 लिख देंगे, LHS = RHS। एनी प्रॉब्लम? सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, टैन 30, कोसेक 60 प्लस टैन 60 सेक 30। तो टैन 30 का मान होता है 1/√3, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 प्लस टैन 60 का मान होता है √3, अब सेक 30 का मान होता है 2/√3, ये कट गया, ये 3 हो गया, यानी कि 2/3 + 2 = 3, 2 + 6 = 8/3। बात समझ में आया? तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और आप, हम कोशिश यही रहती है कि आपको समझ में आए जो भी बात बताई जाए, यदि मैं स्पष्ट रूप से आपको समझाता हूँ तो यदि समझ में न आए तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी स्पष्ट रूप से बताएं, जो नहीं समझ में आ रहा उसको दोबारा समझाया जाएगा, आपको समझ में आना ही पड़ेगा, ये सोच लीजिए। धन्यवाद।